नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झाबुआ के थांगला में जन नायक महान क्रांतिकारियों की जन्म जयंती मनाई। महात्मा गांधी और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अखंड भारत के जन नायक, उनके नेतृत्व में जय जवान जय किसान के रचयिता, पाकिस्तान पर अद्भुत विजय देने वाले जन नेता लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की आजादी के लिए सबसे अहम स्तंभ थांगला MG रोड स्थित महाविद्यालय परिसर में गांधी प्रतिमा पे कंचन सामाजिक सेवा संस्थान, संपूर्ण भारत भारतीय गोरक्षा वाहिनी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मध्य प्रदेश के संगठन के पदाधिकारियों द्वारा व अपने सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर साथ ही महान जन नेता लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए याद किया। 2 अक्टूबर का दिन अति विशेष भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन को देश के 2 महान व्यक्तियों जन्म दिवस राष्ट्रपिता, अहिंसा मानवता के प्रतीक महात्मा गांधी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान के रचयिता, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर भारत की विजय, अखंड भारत के जन नायक लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को विशेष रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय संचालक, मालवा प्रांत महाधिवक्ता, महिला ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट कुमारी मयूरी धानक ने महान क्रांतिकारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। साथ ही महाविद्यालय के विधायक प्रतिनिधि सुनील चरपोटा, गोरक्षा प्रदेश महामंत्री अजाब मोर्चे प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्य पार्षद राजू धानक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गोरक्षा जिला अध्यक्ष मोहनलाल यादव, गो संरक्षण राधेश्याम, कॉलेज अध्यक्ष अश्विनी दामोर, सुनील चारेल, राजेश चौहान, विक्रम दीपक दावी, रॉकी गोयल शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन रमेश परमार ने किया। दीपक दाबी ने आभार माना। साथ ही अतिथियों को अग्रिम नवरात्रि व मां शक्ति उपासना महापर्व सभी देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं देते हुए मां की कृपा हम सब पर बरसती रहे। झाबुआ जिला संवाददाता प्रकाश पड़ियाल की रिपोर्ट।